नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने जाऊँगा कि SEO क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की। सबसे पहले हम बात करते हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। कोई वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग उसे अधिक से अधिक देखें। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेबसाइट बनाना और लोगों को उसको देखाना बहुत ही टफ काम होता है। वेबसाइट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वर्डप्रेस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को देखें इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO करना अति आवश्यक होता है। यदि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसको पब्लिश कर दी है लेकिन आपने उसकी SEO नहीं की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है, तो सर्च रैंक में नहीं आएगी और उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो लोगों के पास वेबसाइट नहीं पहुंचेगी, उसका अता पता कहीं भी नहीं रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं हम SEO क्या होता है दोस्तों। तो SEO क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक एजुकेशनल और नेचुरल सर्च रिजल्ट ऑन सर्च इंजिन्स। डोंट वरी, समझ में नहीं आया, हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। SEO एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट की ऑर्गेनिक रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं, सर्च इंजिन में उसको ला सकते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो SEO वह सब तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप पर ला सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को देखें, उस पर आएँ, उसको विजिट करें। वेबसाइट पर ट्रैफिक जरूरी है क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहीं पैसा होता है। तो अब बात कर लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले टर्म्स होती है सर्च इंजन्स। तो जानते हैं सर्च इंजन्स क्या है। सर्च इंजन सभी जानते हैं, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिस पे कोई भी व्यक्ति सर्च करने आता है सबसे पहले गूगल का सहारा लेता है। सेकंड आता है याहू, विंग, यह भी एक डिफरेंट सर्च इंजन है लेकिन गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। सर्च इंजन के अपने रूल्स होते हैं, इन्हें SEO की टर्म में कहें तो एल्गोरिथम होती है, उसी के आधार पर वह किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग देते हैं। दूसरी टर्म्स आती है सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, सर्च इंजन की वर्किंग आप इस इन्फोग्राफिक से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आपको गूगल में कुछ सर्च करना है तो गूगल में सर्च बॉक्स में आप कुछ टाइप करके करने पर जो पेज ओपन होता है उसे हम सार्फ कहते हैं। और जो रिजल्ट आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। सार्फ पर दो तरह की लिस्टिंग होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लिस्टिंग के लिए हमें गूगल को पैसे देने होते हैं एडवर्ड के थ्रू, SEO के थ्रू। और जब हम गूगल को पेमेंट करते हैं तो गूगल अपनी टीम के थ्रू हमारी वेबसाइट को सर्च में लाता है, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी मोटा रुपये देना होता है हमारी वेबसाइट को नंबर वन पे लाने के लिए। दूसरी बात करते हैं ऑर्गेनिक लिस्टिंग, यह एक फ्री लिस्टिंग होती है यानी बिना पैसे दिए हम गूगल के टॉप पर हमारी वेबसाइट को ला सकते हैं। उसके लिए हम SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना अति आवश्यक होता है। SEO की मदद से हम गूगल के टॉप रिजल्ट में आ सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं SEO कितनी तरह की होती है। तो दोस्तों, SEO जो है वो है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और लोकल SEO होती है। बात करते हैं SEO करना क्यों जरूरी है, वाई इज द SEO इम्पॉर्टेंट। तो 90% से ज़्यादा लोग जब गूगल जैसे सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट पेज पर आई हुई वेबसाइट को ही विजिट करते हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो सेकेंड पेज पर जाते हैं। हमारी वेबसाइट या ब्लॉग पर ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए SEO करना अति आवश्यक है। SEO करके हम बिना गूगल को पैसे दिए टॉप पेज पर हमारी वेबसाइट को ला सकते हैं। आजकल किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो लोग सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पर आती है तो यह आपकी ब्रांड गुडविल के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो देखता है वही बिकता है। आपके पास अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक ओवरव्यू था कि SEO क्या होता है, कैसे करते हैं और इसकी बेसिस जानकारी डिटेल कैसे करना है, ये सब हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने बेसिक SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं आपको SEO के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किसी वेबसाइट को रैंकिंग लाने के लिए SEO कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।